ग्लास को दिखाने दीजिए, मुझे बताइए कल ड्यूल डेकर किस किसने किया रिवॉल्व रिमाउंटिंग पूरी, ठीक है तभी ने किया। अब 30 तारीख में किसी ने पावर आईसी लाइव लगाई है और सेट चालू किया है, मुझे होता है इससे पहले कर पाते थे क्या? यहाँ पे ये सब फ्रेशर ही बच्चे हैं और जो काम करते थे चार्जिंग कनेक्टर और माइक वाले। अब मुझे बताओ उसके जस्ट अगले दिन में किस किसने 4G CPU निकाल के लाइव निकाल के लगाया है यहाँ पर, यूनिवर्सल आईसी यूनिवर्सल स्टैंड से किस किसने CPU रिवॉल्व किया हुआ है? चलो CPU तो सभी रिवॉल्व करवा के सिखा देते हैं। A8 आईफोन का CPU यूनिवर्सल से किस किसने रिवॉल्व किया है? आईफोन का A8। तो इतना ये स्किल आपको किसने दिया बच्चा भाई? एशिया टेलीकॉम। जो भी जिया रहेगा एक ही और आएगा, तो या तो जिया रहेगा या तो ओएल आएगा। बोलो, या तो जिया रहेगा या और ओएल आएगा तो होम जोन में चेक करेंगे। कौन से मोड में चेक करेंगे? चेक कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसका आउट है जी। मैं पावर चेक कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसके दो आउटपुट हैं। दो आउटपुट हैं यस सर। एक आउटपुट को बोलते हैं बक, दूसरे को क्या बोलते हैं? मैं इसको चेक कर सकता हूं क्योंकि इसको चेक करने के लिए मार्केट में क्या दिया हुआ है, बट मैं किसी भी हद तक CPU चेक नहीं कर सकता। तो CPU को हमेशा बोर्ड में लगा के ही चेक करना पड़ता है। किस पे लगा के चेक करना पड़ता है? बोर्ड में लगा कर। कोई कमी नहीं। चलो ठीक है, बताइए आप कहाँ पे जाना आपको? सर हम यहाँ हवाई में जाएंगे, ये हमारा बोर्ड लगा है तो इसमें हमारा जो सीपीयू। कहाँ पे जाना है सबसे पहले आपको? हवाई में सर। ओके, फिर उसके बाद? सर हमें सीपीयू फाइल करना अपना। आपने सीपीयू पता कर लिया था? सर कौन सा सीपीयू लगा इसमें? 6.5 ग्रीन का 6.5 ले लीजिए सर, ले लीजिए। अब उसके बाद ये कैसे कनेक्ट होगा, किस मोड में? सर ये हमारा आ जाएगा USB 1.0। वेरी गुड। कैसे टेस्ट पॉइंट पता करेंगे? सर यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी। वेरी गुड। ये हमारे कहाँ जाना है? एक सेकंड सर, ये हमारा हवाई है। हवाई ये रहा हमारा हवाई। ओके, मॉडल सिलेक्ट करेंगे, ओनर 9 लगेगा। ओके, अब इसमें आपको क्या पता चल जाएगा? टेस्ट पॉइंट पता चल जाएगा सर। ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। ये आपका टेस्ट पॉइंट है। चलिए डिवाइस में जब खोल लेते हैं और इनको पोर्ट चेक करा देते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है वो बना कि नहीं। देखिए कौन सा ड्राइवर बन गया? तो बताइए यहाँ पे मेरा टेक की फ्लैशिंग कौन कौन कर लेगा? स्कॉर्पियो की फ्लैशिंग यस सर, आईफोन यस सर, स्पेक्ट्रम यस सर, अनलॉकिंग की बात कर बिलॉक का करना, सब लोग कौन कौन कर लेगा? कौन सा मॉडल है? चालू है लाइफ F9 Pro। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम की फेसबुक पेज लाइव। हमारी क्लास चल रही है अभी, EMMC चेंज की क्लास है ये आज। अभी टाइम कितना हो रहा है देखा हमने जरा सा? 9:10 प्रीलोडर और रीपार्टीशन। कहाँ कहाँ टिक लगाना है और क्या करना है? राइट। क्या कर देना है? राइट। चार नंबर के ऑप्शन में क्या है कि ओप्पो कस्टम फाइल राइट करना है। कौन सी फाइल? क्या ओप्पो कस्टम के फाइल के बिना मोबाइल फोन चालू होगा यहाँ पे? तो EMMC चेंज प्रोसेस में ये चार फोन रखे हुए हैं, तो बताइए सबके प्रॉब्लम बताइए। उससे पहले फोन बताइए क्या क्या फोन है, क्या सर? ये ओप्पो F9 Pro था, ये मेरा डेड था। तो इसका मैंने EMMC का हेल्थ रिपेयर किया। सेकंड ये हमारा वीवो का फोन था जिसका EMMC चेंज हुआ। EMMC चेंज प्रोसेस हुआ। ये हमारा एक MI का फोन है Redmi 6 से, इसका भी EMMC चेंज हुआ। ये Redmi Note 5 है जिसका मैं खुद EMMC निकाल के और दोबारा मैंने खुद ही रिपेयर करके लगाया। ये लाइव क्लास में आपने किया है? जी बिल्कुल। कहने का सेंस मेरा ये है कि जो आपने बताया कि इसमें आपका हेल्थ प्रॉब्लम था, हेल्थ रिपोर्ट सही नहीं थी, इसमें आपने चेंज प्रोसेस किया, इसमें चेंज प्रोसेस किया और इसमें हेल्थ। तो ये जो आपने क्लास किया ये समझ के किया या फिर ऐसे किया? सर समझ के किया, एकदम समझ के किया। पूरा चेंज प्रोसेस क्या होता है, हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं, स्मार्ट रिपोर्ट को कैसे रीड करना है, MSC SLC क्या होता है, ये सारे कुछ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ओवरऑल कैसा EMMC सिखाया जा रहा है?
सर एकदम बेस्ट EMMC सिखाया जा रहा है। ये है EMI Note 6 Pro। ओके, तो ये दोनों ही फ़ोन जैसा कि आप लेकर के आए थे यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम था? डेड हो गया था दोनों। डेड था? कैसे डेड हुआ था, या आपसे डेड हुआ था? हाँ, आपसे मुझसे नहीं हुआ था, कस्टमर ने लेके आया। डायरेक्ट कस्टमर जी। कम से कम डेड डायग्नोस क्या देखा आपने? हाँ, डेड DC में आता था, ये का 15 में हटका हुआ आता था, ये का आता था 6 में हटका हुआ। ओके, तो सर ने यहाँ पे आपको दिखाया, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये बताइए, इसमें क्या था ना, EMMC जो है वो डेड हो गया था। EMMC डेड हो गया? डेड हो गया था दोनों। तो ये आपने फाइंड आउट किया सर जी? लाइव प्रूफ देखा क्या? हाँ, स्टेप बाय स्टेप देखा जी। तो उसके बाद क्या किया सर? इसके बाद हमने चूज किया कंफर्टेबल IC ढूंढा इसका। अच्छा, ये जो दोनों फोन है ये आपने चालू किए हैं या सबने चालू किए हैं? ये दोनों मैंने किया हूँ। आपने किया हुआ यहाँ पे फोन, आपने चालू किया? जी सर, कई फ़ोन लाया था मैं। ओके, ठीक है। MNC से रिलेटेड दो फ़ोन थे, 7A था दोनों ही। एक ये है और एक और भी रखा हुआ है। ओके, रखा हुआ है जी। हाँ, इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि एक 7A जो था मेरा वो ऑन हो रहा था, हैंग ऑन लोगो था, उसको मैंने फ्लैश किया, फिर वो परसेंटेज एरर हो गया, वो डेड हो गया। डेड हो गया। एक फ़ोन दूसरा ऑन था, उसको भी मैंने फ्लैश किया, वो फ्लैशिंग कंप्लीट हो जा रही थी, लेकिन वो कम्प्लीटली वो ऑन ही नहीं हो रहा। ऑन ही नहीं हो रहा? ऑन ही नहीं हो रहा था। तो जब आपने यहाँ पे चेक किया तो क्या प्रॉब्लम निकला? फिर भाई उसको मैंने चेक किया UFI बॉक्स में लगा के, उसकी जो स्मार्ट रिपोर्ट है वो करप्ट आ रही थी। फिर उसका जी MNC जो उसकी हेल्थ होती है वो करप्ट आ रही थी। ओके, तो उसको मैंने हेल्थ, मतलब ये सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप पता चला कि जी? नहीं नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप लिखाया गया, उसी का प्रैक्टिकल मैंने खुद किया है। इसकी प्रोग्रामिंग जो थी रिपोर्ट की, उसको मैंने खुद ही ठीक किया। सर क्या दिक्कत थी कि MI लिख के बंद हो जाता था? मतलब रिस्टार्ट हो रहा था। नहीं, कुछ नहीं किया था। यहाँ आके डायरेक्ट मैं ले आया यहाँ पे, फिर यहाँ आके मैंने इसकी फाइल डाउनलोड करी, इसको फ्लैश किया। फ्लैश करते समय वो डेड हो गया फोन। फ्लैश करते समय पूरा डेड हो गया? पूरा डेड हो गया। फिर मैं इसका MNC, हाँ MNC क्लास ज्वाइन किया, उसका MNC निकाल के इसका। तो ये आपने जो फोन ऑन किया, आपने क्या प्रॉब्लम था इसमें? हेल्थ नहीं सही था, एक का नहीं सही, MNC का नहीं। MNC का हेल्थ खराब हो गया? खराब हो गया। ये सारा कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप खुद किया है सर? सर मैंने खुद किया, डरा था और एक फ्लैशिंग करने के समय डेट हो गया था। अच्छा, तो लोगों था तो उसको आपने फ्लैश किया? फ्लैश करने के बावजूद भी मैंने सक्सेस हो जा रहा था, बाकी वो लोगों पे ही अटका हुआ था, फुल फ्लैश होने के बाद करके आए। हाँ, तो आपको MNC क्लास पहले पढ़ाई गई, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों में क्या रिजल्ट निकला, कहाँ से प्रॉब्लम? दोनों में रिजल्ट ये निकला कि दोनों का ही मैंने MNC से प्रॉब्लम था, दोनों का प्रोग्रामिंग करना पड़ा। दोनों का प्रोग्रामिंग करना। एक जो था जो सर की है, एक सर करके सर, पहले आपको ये वाला सर का आपको दिखाए हैं, ये वाला सर, ये सर करके दिखाया, और फिर उसके बाद ये हम खुद से किए हैं। ये खुद से किया आपने सब यहाँ पे? जी, पढ़ाया जा रहा है विद प्रैक्टिकल, विद प्रैक्टिकल यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे दो फोन आपके पास रखे हुए हैं? जी जी। ये दोनों फोन किसी और के तो नहीं है? नहीं सर, ये मेरे ही हैं। तो चलिए, ये दोनों फोनों में क्या क्या प्रॉब्लम था बताइए सर? ये हैंग ऑन लोगो पे था। अच्छा, इस पे मैंने फ्लैश किया था 2-3 बार। Okay. लेकिन वही प्रॉब्लम आता था बार बार, मतलब फ्लैश करने के बाद लोगो ही रहता था। जी, लोगो ही रहता तो था। फिर क्या सोल्यूशन निकला इसका यहाँ? फिर यहाँ पे मैं लेके आया हूँ तो इसका MNC खराब था। MNC खराब था जी? MNC का हेल्थ नहीं, इसका हेल्थ खराब था। तो ये सारा चीज आपने स्टेप बाय स्टेप देखा? जी, स्टेप बाय स्टेप देखा, और मैं कर भी सकता हूँ। अच्छा, कर भी सकते जी। लाइव चालू फोन से हमने क्या निकाला? कौन सा IC निकाला? ठीक है, और IC निकाला, एक चालू फोन को हमने डेट किया, वो डेट करने के बाद में IC को फिर वापस माउंट किया हमने और चालू किया। तो ये प्रोसेस किसने किसने की? सबने की। आप सेटिस्फाई है इसके अंदर? इसके पहले कर पाते थे आप क्या? फर्स्ट टाइम चालू है तो यार जैसा कि देख पा रहे हैं फोन चालू हो गया है हमारा, उन्होंने पावर IC निकाल के लगाया। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया सर। CPU निकालना, पावर निकालना 4G से फोन से आसान हुआ नहीं हुआ?
बहुत आसान होगा। माइक्रो एरिया इसका डैमेज है, बाकी पूरा चालू है। मैं इसका सीपीयू रिमूव करूंगा, पावर आईसी भी रिमूव करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसी को रिबॉल करके फिर से लगा दूंगा मैं। नहीं, फिलहाल के लिए आप बस इसका सीपीयू निकाल के लगा के और फोन को चालू करके दिखाने। परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद देखना नहीं है, नोटिस करना है। इस वोल्टेज को खून के दिमाग में डालो, ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये तो बात है, पर कैसे आ रहे हैं, जल्दी बताओ कैसे आ रहे हैं। स्टेबल कैसे आ रहे हैं, इस वोल्टेज स्टेबल, नॉट अप डाउन। दैट मींस ये वोल्टेज की लाइन कैसी है, तो देखो बक ओके। अच्छा बीबीएच ओके, बक ओके, 1.8 ईडीएल ओके। तो अभी आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था, व्हाट LDO। तो पर हम ये सारे सेक्शन LDO को उसको चेक कर ही लेंगे, दीपक सर इसका कोड बनाते हैं। अभी क्लास चल रही है, नेम प्रोग्रामिंग है, लास्ट डेट और आज टूल की क्लास और है हमारे MOLED सेक्शन। मेरे को क्लास को दिखाने दीजिए, मुझे बताइए कल ड्यूल डेकर किस किस ने किया, रिवॉल्व रिमाउंटिंग पूरी ठीक है, सभी ने किया। मुझे बताओ MOLED सेक्शन कैसा गया आपको, किस किस को समझ में आया था, 16 है पूरा वोल्टेज के साथ बताया कि नहीं बताया, A50M50 सीरीज की आईसी बताई ठीक है। अब हम नैंड प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं, ये हमारा फ्री का कंटेंट है, जो हमने बोला था आपको कि हम नैंड प्रोग्रामिंग आपको बताएंगे कि आपको नैंड प्रोग्रामिंग शुरू करना है, क्या करना है। इसके लिए हमारे पास अभी तो जंग है जारी, सबसे पहले अभी हारा नहीं है तू, नैंड निकालो अब यहाँ पे, वापस डिटेक्ट करो। देखो बिना नैंड के क्या होता है, देखो बिना नैंड के बोला है कोई भी नैंड नहीं है ठीक है। अब यहाँ पे नैंड लगाएंगे के साथ में, अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंग सारे ऐसा बेचारा नहीं तू, भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू, करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, रोना है मुझे मुझे को बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे चापनों को बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे चापनों को बोल के रख। बहुत सरल है ये, और नैंड निकालना लगाना क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ हार्ड उसके साथ में ठीक है। मैं आपको ना उसके वीडियोज भी भेजूंगा आगे, इन फ्यूचर आने के अपडेट में कोशिश करूंगा, 2-3 दिन में भेजूंगा। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अब क्या वापस रीड करो, नहीं पहले रीड इंफॉर्मेशन और करो। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस
ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है हार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के सब इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे उनका परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे उनका परों को खोल के रख। ये फोटो ले लो, मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, बोलते जा, रिफ्रेश, फिर कनेक्ट, फिर से से डर कर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी आवाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को।
जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाली सिटी